हमने मैट्रिक या इंटर किया हुआ है या फॉर एग्जाम्पल हमने अगर बीए भी किया हुआ है तो ऐसी कौन सी जॉब है जो हम कर सकते हैं? तो इसके लिए आप ये जॉब कर सकते हैं अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आप मैट्रिक भी पढ़े हैं। इसके लिए ज़रूरत क्या है वो मैं बता देती हूँ। अरेबिक अगर आपको आती है तो इट्स अ प्लस, और अगर आपको अरेबिक नहीं आती तो आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की मेरी वीडियो है उन लोगों के लिए कि मुझसे पूछा गया कि अगर हमने मैट्रिक या इंटर किया हुआ है, ठीक है, पहले मैंने कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाई जिसमें मैंने बताया था कि डिग्री रिक्वायर नहीं होती, तो मेरी वीडियो ये भी उस चीज़ से ही रिलेटेड है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी जॉब है जो आप एज अ वाइट कॉलर कर सकते हैं, ठीक है, एज अ ऑफिस बेस्ड जॉब आप कर सकते हैं अगर आपकी मैट्रिक या इंटर एजुकेशन है। तो चले जी वीडियो का आगाज करते हैं, वीडियो को डिटेल में डिस्कस करते हैं और मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करती हूँ कि आपको वो जॉब कैसे मिल सकती है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो चले जी वीडियो का आगाज करते हैं। चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। लेट्स गो। अच्छा जी, मुझसे कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि हमने मैट्रिक या इंटर किया हुआ है या फॉर एग्जाम्पल हमने अगर बीए भी किया हुआ है तो ऐसी कौन सी जॉब है जो हम कर सकते हैं। तो जी मेरी नज़र में अगर आपको कोई भी जॉब मिलती है ना यहाँ पे, आपको वो करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि एज अ एक्सपीरियंस आपको जॉब वगैरह लेनी चाहिए और जॉब करनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अच्छी वाइट कॉलर जॉब करें तो उसके आ जाता है कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की जॉब, ठीक है। कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब इसलिए ज़रूरी है जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किसी कंपनीज में, आप किसी बैंक में, ठीक है, आप एफएम कंपनीज में, इन कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको आ जाता है कि आपने लोगों की, कस्टमर्स की क्यूरीज को हैंडल करना होता है, उनकी सवालों के जवाब देने होते हैं। कस्टमर सर्विस की जॉब मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ करना क्योंकि मैंने यहाँ पे कई लोगों को देखा है कि वो ये जॉब करके, वो इतने एजुकेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बंदे को जानती हूँ, उसने सिर्फ बी ए किया हुआ है, सिंपल बी ए, उसके पास कोई और डिग्री नहीं है, मास्टर्स की, बैचलर्स की। उसके पास पहले सिर्फ ये था कि उसके पास अपने होम कंट्री का, इंडिया का, उसके पास एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस उसके पास सिर्फ 6 मंथ्स का था। बैंक में वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें और उनको बहुत अच्छा पे भी किया जा रहा है फ्रॉम बैंक। तो जी ये जो जॉब्स होती हैं ये बैंक में भी आप कर सकते हैं, कंपनीज में भी कर सकते हैं, ठीक है, होटल्स वगैरह में भी कर सकते हैं। वो भी हायर करते हैं इस जॉब के लिए, वो इसलिए क्योंकि उनको कस्टमर की क्यूरीज वगैरह का रिस्पांस देना होता है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होता है और ये चीज़ें सारी हैंडल करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए आप ये जॉब कर सकते हैं अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आप मैट्रिक भी पढ़े हैं। इसके लिए ज़रूरत क्या है वो मैं बता देती हूँ। तो इसके लिए आपके पास एक हुनर होना चाहिए, वो होना चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग का। इंग्लिश स्पीकिंग आपकी अगर अच्छी होगी, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं इंग्लिश में, क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि जो कॉमन लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश और अरेबिक बोली जाती है। अरेबिक अगर आपको आती है तो इट्स अ प्लस, और अगर आपको अरेबिक नहीं आती तो आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। इंग्लिश यहाँ पे इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपको नहीं बोलनी आती तो यहाँ आने से पहले आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप इंग्लिश के कोर्सेज में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कस्टमर सर्विस या कोई भी ऐसी जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती। अब जैसे कि हम लोग, अब यहाँ पे एक सवाल आएगा, लोग मुझे कहेंगे कि जी हमारे पास तो डिग्री है लेकिन फिर भी हमारी जॉब नहीं लग रही। इट टोटली डिपेंड, सबसे पहले जो चीज़ पर डिपेंड करता है वो होती है आपकी लक, ठीक है, आपकी खुशनसीबी। दूसरी चीज़ पे जो डिपेंड करती है वो होती है इंग्लिश, और तीसरी चीज़ जिस पे डिपेंड करती है वो होती है पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी इतनी टॉप नॉच होनी चाहिए कि आप, मतलब आपको अगला बंदा जो कंपनी है ना वो आपको हायर करना चाहे। तो ये जो कस्टमर सेल्स की जो जॉब है ना, ये यहाँ पे अगर आपने मैट्रिक भी किया, इंटर भी किया है, ठीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश बहुत फ्लुएंट बोल सकते हैं और आप अगले की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये जॉब करने से या आपको हायर करने से कोई भी नहीं यहाँ पर रोक सकता।
सबसे पहले कोई भी जॉब हासिल करने के लिए आपके अंदर पेशेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर सब्र होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया है कि अगर आपने मैट्रिक भी किया हुआ है और अगर आपकी इंग्लिश वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी है, आप इंग्लिश में अच्छे से बात कर सकते हैं, अगले की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, उसको उस चीज़ का जवाब दे सकते हैं, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम हुई हुई है, तो यार आपको ये जॉब देने से कोई भी नहीं रोक सकता, आपको लेने से ये जॉब कोई भी नहीं रोक सकता। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 3000 लगती है और कुछ कंपनीज ऐसी अच्छी अच्छी टॉप नॉच कंपनीज होती हैं जो जिनकी स्टार्टिंग सैलरी ही 5000 पे लगती है। तो जी जिनको मैं जानती हूँ जो इंडिया से हैं उनकी भी सैलरी जो स्टार्टिंग लगी थी वो 3500 से स्टार्ट हुई थी, उनके पास सिर्फ 6 मंथ्स का अपने कंट्री का एक्सपीरियंस था। तो बेहतर यही है कि अगर जब यहाँ पर आप आएँ आप एक्सपीरियंस लेके आएँ, आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, ठीक है, और इस जॉब के लिए आप बैंक्स वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट हाई फाई कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, होटल्स वगैरह में कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कंपनीज जगह होती हैं यहाँ पे आप अप्लाई करके ये जॉब ले सकते हैं अगर आपने मैट्रिक इंटर या बीए किया हुआ है। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्यारा सा एक कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।